ग्वालियर में रेलवे लाइन के पास आधा सैकड़ा से ज्यादा लावारिस हालात में आधार कार्ड पड़े हुए मिले हैं। आधार कार्ड पड़े होने की सूचना मिल में काम करने वाले एक कर्मचारी ने पुलिस को दी थी। सूचना लगते ही पुलिस मौके पर जा पहुंची। आधार कार्ड इस सुनसान इलाके में कौन व्यक्ति फेंक कर चला गया है, इसका पता नहीं चला है। पुलिस ने आधार कार्डों को जब्त कर उन पर दिए हुए नाम और पते के आधार पर उन पतों पर जाकर लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी भी खंगाल रही है, जिससे यह पता चल सके कि आधार कार्ड फेंकने वाला व्यक्ति कौन है। मामला ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के बिरला नगर प्लेटफॉर्म पटरी के नजदीकी स्थित सैयद बाबा की दरगाह के पास मिल में काम करने वाले एक कर्मचारी को बुधवार गुरुवार रात के दरमियान पॉलीथीन में भरे पड़े आधार कार्ड मिले थे। आधार कार्ड की संख्या ज्यादा थी, इसलिए कर्मचारी ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना लगते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर जा पहुंचा। पुलिस ने जब पॉलीथीन खोल कर देखा तो उसमें आधार कार्ड काफी संख्या में थे। पुलिस ने जब उनकी गिनती की तो करीब 85 आधार कार्ड निकले। पुलिस को पहले लगा कि यह आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डिलीवर होने के लिए निकले होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। यह आधार कार्ड यहाँ फेंके गए या गिरे हैं, इसका पता अभी नहीं चल सका है, जिसकी सूचना पुलिस के मुरार के पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को दी थी। सूचना मिलने पर पोस्ट विभाग के कुछ कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे, जहां पोस्ट विभाग के कर्मचारी यह पड़ताल कर रहे हैं कि यह आधार कार्ड कहां से डिलीवर होने के लिए जारी हुए थे। साथ ही पुलिस थाने की एक टीम आधार कार्ड पर दिए गए पते, नाम और फोटो के आधार पर उन पदों पर जाकर लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस रेलवे पटरी के पास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है, जिससे यह पता चल सके कि यह आधार कार्ड किस व्यक्ति ने फेंके हैं या गिरे। हजीरा थाने के सीएसपी रवि भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी। रेलवे पटरी के नजदीक एक पॉलीथिन में काफी संख्या में आधार कार्ड भरे पड़े हुए हैं। व्यक्ति की सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां 85 आधार कार्ड पॉलीथिन में मिले हैं। कमलेश की जानकारी डाक विभाग के अधिकारियों को दी थी। वहां के कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे, वह पता लगा रहे हैं कि यह आधार कार्ड कहां डिलीवर होने के लिए जारी हुए थे। साथ ही पुलिस की एक टीम आधार पर दिए गए नाम पते के आधार पर उन लोगों की तलाश कर रही है। सैयद बाबा की दरगाह है, जो बिरला नगर रेलवे स्टेशन रेल पटरी के किनारे है। वहाँ पे एक व्यक्ति को कल रात में कुछ एक पॉलीथीन में आधार कार्ड मिले, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। वहां पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तकरीबन 85 आधार कार्ड हैं जो प्राप्त हुए हैं। और प्रथम दृष्टया ऐसा देखने में लग रहा था कि वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डिलीवर होते हैं, और वो नहीं हो करके वो वहां पर कहीं किसी तरीके से वहां गिरे। इस की सूचना पोस्ट ऑफिस को दी गई, जो एसएसपी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस मुख्य डाकघर है मुरार, उनकी तरफ से लोग आए हैं और वो उसकी पड़ताल कर रहे हैं।